गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम भाषा माधुरी के नया लेसन पार्ट 7 दादाजी के बारे में जानेंगे। दादाजी मतलब कौन है? ग्रैंड फादर। फादर्स फादर को दादाजी बोलते हैं। अभी हम पाठ पढ़ेंगे। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। सोनाली कहाँ रहती थी? रामपुर गांव। गांव का गांव मतलब क्या है? विलेज। विलेज का नाम क्या है? रामपुर। सो रामपुर गाँव में रहती थी। गाँव के बीच से एक नदी बहती थी। गांव के बीच से क्या बहती थी? एक नदी, एक रिवर फ्लो होता था। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाजों से जागता था। अर्ली मॉर्निंग पूरा गांव मतलब गांव में जो जितने भी लोग रहते हैं, तो 3 आवाजों से जागता था। अर्ली मॉर्निंग 3 साउंड्स आते थे, 3 साउंड्स। वो क्या है? पहली, नंबर 1, नदी की कलकल की आवाज। जब नदी बहती है तो आवाज देती है ना, कलकल की आवाज, उस आवाज से। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज। नदी से, नदी के उस पार एक ढोलक की आवाज आती थी। तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। तीसरा आवाज क्या है? मस्जिद में अजान की आवाज आती है ना, अल्लाह अकबर करके, उस आवाज से पूरा गाँव जाग जाता था। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी की थी। किसकी आवाज थी वो? अजान कौन थे? सोनाली के दादाजी। सोनाली कहाँ रहती थी? रामपुर गांव में रहते थे। उनके दादाजी ही मस्जिद में आवाज देते थे। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे, मस्जिद में ही रहते थे। ये है गांव। देखो, गांव के बीच से एक नदी बह रही है, पूरा गाँव, यहाँ पर एक मस्जिद है, और पूरा गांव जो है 3 आवाजों से जागता था। नेक्स्ट, एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आई। वन डे क्या हुआ बच्चों? सुबह अजान की आवाज नहीं आई। गांव में सब हैरान थे, सबको आश्चर्य हुआ था। नदी की कलकल की आवाज आई, ढोलक की आवाज आई, लेकिन अजान की आवाज नहीं आई। तो गांव के विलेजर्स तो थे, बहुत ही परेशान हो गए थे। सोनाली भी परेशान हो गई, क्योंकि सोनाली के दादाजी थे ना, तो सोनाली को भी परेशानी हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज नहीं आई, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? इस तरह से वो अपने आप में सोचने लगी। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी, मतलब उनके बारे में सोचने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। उसने क्या सोचा? चलो एक बार मस्जिद जाकर देख लेती हूँ, वहाँ पर दादाजी हैं कि नहीं। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। उनके लिए भेंट का मतलब क्या है? उपहार। उपहार ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊँ? इस तरह से वो सोचती है। हाँ, अखरोट ले जाती हूँ, वॉलनट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। दादाजी को क्या पसंद है? अखरोट। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। हाँ, जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत ठंड का दिन था। हाँ, उसने बंद गले का कोट पहना। देखो यहाँ पर बंद गले का कोट पहना और हाथों में दस्ताने, ग्लाउजेस भी पहन लिए। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, जल्दी जल्दी चलने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह से वो सोच रही थी। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। वो सोचती थी कि अखरोट उसके दादाजी को अपने हाथों से खिलाऊंगी करके सोच रही थी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं, टॉयस। खिलौने का मतलब क्या है? टॉयस। टॉयस भी बना सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं, उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। बहुत सारे अखरोट इकट्ठे करके अपनी कोट की जेब में भर लिए।
अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया, शोर मतलब आवाज, नॉइज सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे, कुछ लड़के थे वे गांव के ही लड़के थे, वे भी अखरोट लेने आए थे, वे भी वहां पर अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, बहुत डर गई, कहीं ये उससे नाराज ना हो जाए, नाराज मतलब गुस्सा ना हो जाए, कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई, एक झाड़ी मतलब बुशेस के पीछे छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए, एक लड़का बोला। एक लड़का क्या बोला, अरे अखरोट तो नहीं है यहाँ पर, क्या हो गया सारे अखरोट, पता नहीं इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा लड़का बोला, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। फिर उन्होंने क्या सोचा, हो सकता है सोनाली आ गई होगी, क्योंकि वो तो सुबह सुबह उठती है। तीसरे ने अनुमान लगाया, अनुमान मतलब डाउट किया। वाह यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा, पहले लड़का ने को गुस्सा आ गया, बोला अरे इतनी दूर हम लोग पैदल चलकर आए हैं, अखरोट तो मिला ही नहीं। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। कौन जाती है, सोनाली। वह हमारी तरह आलसी नहीं है, लेजी नहीं है वो, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। सारे अखरोटों पर किसका अधिकार है, सोनाली का ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया, पहला लड़का को गुस्सा आ गया, दूसरा लड़का कहा इतनी सुबह कौन आ सकता है, हाँ तीसरे लड़के ने कहा सोनाली ही जल्दी उठती है, हाँ इसीलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है, क्योंकि वो हमारी तरह आलसी नहीं है। तीसरे लड़के ने समझाया, वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली, उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। सोनाली तभी बाहर आकर के बोली, अरे रुको रुको मत जाओ, हम सब फ्रेंड्स हैं तो इन अखरोटों को हम आपस में बांट लेते हैं। नहीं नहीं शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। नो थैंक्स, हाँ सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पर आई, और इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, इस तरह दूसरे लड़के ने कहा। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया, सोनाली ने अखरोट किस लिए इकट्ठे किया इसका कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ, उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। इस तरह से सोनाली ने उन दोस्तों को बताया। एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, सर्दी मतलब कोल्ड, जुकाम बुखार हो गया, फीवर भी आ गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, करके उसने कहा, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे, इस तरह से तीसरे लड़के ने कहा। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी, उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी, दुआएं मतलब आशीर्वाद। तो इन अखरोटों को देखकर दादाजी उनको गले लगा लिया, बहुत खुश हुए और उनको बहुत सारी दुआएं मतलब आशीर्वाद दिया। बच्चों इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो, धन्यवाद।